सबसे पहला सवाल, फेवरेट हीरो और हीरोइन? दीपिका रणवीर। बेस्ट फूड, फेवरेट फूड? चाइनीज, इटालियन और होम फूड। देवुलीना को सबसे डर ज्यादा किससे लगता है, किससे डर लगता है? अंधेरे से। ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब जो कर रही हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस एंड ऑफ कोर्स इससे और आगे बढ़ती जाऊँ, दैट इज माय ड्रीम। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग जो आप हमेशा बोलती हैं? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो कर दी, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनती। वो कौन सा ऐसा मौका आता है जब लोग झूम उठती है ना, कहीं भी लगती, डांस करने लगती है, कुछ ऐसा पल आता है? मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुशी देती हैं, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइटेड करती हैं। लाइक अगर मैं एक अच्छी खुशखबरी भी मैं किसी की सुनती हूँ, भले मेरे रिलेटेड हो नहीं हो, और अगर सपोजिटली माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड, तो मैं झूम उठती हूँ, हाउ ब्यूटीफुल। इट ऑल डिपेंड्स। आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया, आपको फील होता है कि इंडस्ट्री में गॉड फादर होना जरूरी है? नो, आई डोंट थिंक सो, टच इट। बट यहाँ पर यू नो भाई भतीजावाद बहुत होता है, चाहे बॉलीवुड की बात हो, उसमें ज्यादा होता है, टीवी इंडस्ट्री में कम होता है, बट आप भी ये फील करती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी अभी तक मैं बॉलीवुड में गई नहीं हूँ, जितना मैंने सुना है, देखा है, सो इट आई गेस इट ऑल डिपेंड्स, बट ऑफ कोर्स अभी तक टीवी में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। एट द एंड ऑफ द डे द वेरी फैक्ट इज योर टैलेंट इज व्हाट ऑल अबाउट। अपने आप को तीन शब्द में डिस्क्राइब करिए। वाओ, सिंपल, लविंग एंड बहुत सारे हैं, तीन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करूँ, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। चलिए, एक ऐसी गलती जो लाइफ में की हो और अभी रिग्रेट होता है उस चीज़ के लिए आपको? नहीं, मेरा मैं बहुत जल्दी, मेरे वो कुछ भी होता है, जब तक रिग्रेट आई गेस उन लोगों को होता है जो लोग किसी को एक्चुअली इंटेंशनली यू नो कुछ किसी का बुरा करते हैं या दुख करते हैं या कुछ ऐसी गलती करते हैं इंटेंशनली, जिसके वजह से वो रिग्रेट करते हैं, एंड बाय द यू नो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन माय लाइफ जिसकी वजह से मुझे रिग्रेट करना पड़े। कभी कभार कुछ बुरा लगता है, बट वो मेरा थोड़ा टाइम के लिए होता है, देन आई जस्ट कम आउट। योर ग्रेटेस्ट फेलियर, मतलब कुछ ऐसा? आई डोंट थिंक सो। एक चीज जो इंडस्ट्री में आप चेंज करना चाहती हैं, टीवी इंडस्ट्री में? आई थिंक जैसा भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो कोई चेंज की, मतलब यू नो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जरूरत है, बट वो चेंज मैं अकेले नहीं कर सकती, सो देयर इज नो पॉइंट। ओनली मॉम को लेके कोई सपना, कोई ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पूरा करना चाहती हूं मॉम को लेके? यस, मॉम को लेके मुझे पूरी मॉम को दुनिया घुमाना है, जो अभी तक हुआ नहीं है। इट्स लाइक रेयरली हम लोग एक बार दो बार ही बाहर गए हैं, अभी तक मैं पूरी दुनिया मम्मी को घुमा नहीं पाई, सो आई रियली विश कि मम्मी को मैं जल्द से जल्द पूरी यू नो वर्ल्ड टूर करवाऊँ, एंड जो मेरा एक ड्रीम है, पार्ट ऑफ माई ड्रीम, ये फुलफिल हो। यू नो जब मीडिया में बहुत सारे रूमर्स होते हैं तो देवुली ना कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या करती हैं? That's what I said, you know, कि मैं जो वो मेरा इरिटेशन है, I want to tolerate, I want to control it, कि जो पहले I'm not the, of course, कोई इंसान सेम नहीं रहता, it's been like 8 years now, so and in 8 years, I feel वो टॉलरेंस मेरे अंदर आ गया, आया है ना, वेरी गुड, इग्नोर इट। सो आजकल मेरा ऐसा होता है, मैं पहले हंसती हूँ, सब मुझे बहुत सारे मेरे फैंस से, मेरे फ्रेंड्स से बोलते हाउ कुड यू टॉलरेट दिस, मैंने कहा इट्स ओके, ये उनका काम है, वो उनका काम करे, एंड मैं रिएक्ट करूँगी तो क्या होगा, 10 लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद क्या वो मतलब ऐसे भी भूल जाएंगे ना, 10 दिन के बाद ऐसे भी भूल जाएंगे, पर इस वक्त मैं रिएक्ट करके मैं क्या करूँगी, मेरा खून जला के मुझे मेरा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, सो यू नो आई जस्ट टेक इट, ओके फाइन, है तो है, अभी क्या कर सकते हैं। अगले 5 सालों में देखना अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं इंडस्ट्री में? बहुत आगे देखना चाहती हूँ मैं खुद को 5 सालों में, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें यू नो मेरे लाइफ में हुई है, लाइक फर्स्ट थिंग कि मेरे लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ इजीली नहीं आई है, ऑनेस्टली हर एक चीज़ के लिए, बी इट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू दिस माय करियर,
आई कुड से एवरीथिंग जो आज भी है एंड आई रियली फील एट टाइम्स प्राउड ऑफ इट. बट अगेन कभी कभी ऐसा होता है, अरे क्यों यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी मतलब यू नो स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है. बट येस देन ओनली यू कैन, देन आई अंडरस्टैंड, देन आई रियलाइज कि देन ओनली यू कैन वैल्यू इट मोर. आपको कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है ना तो हम उन चीज़ की ऑनेस्टली कदर नहीं करते हैं. बट अगर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आपको जब स्ट्रगल करना पड़ता है ना, सो यू नो द वर्थ. एंड मे बी दिस इज़ द वे कि भगवान भी आपको बताना चाहता है कि बहुत मेहनत के बाद ये मिला है, इट्स योर्स नाउ एंड संभाल के रखो. सो द सेम वे ऑफकोर्स दैट्स वाई आई नो कि 5 साल की जर्नी भी आई नो मेरे लिए ईजी नहीं होगा. अभी तक जर्नी कोई ईजी नहीं रही है मेरी. सो आई एम श्योर कि 5 सालों में भी आई एम सीइंग माईसेल्फ. ऑफकोर्स हर कोई इंसान अपने आप को सक्सेसफुली देखना चाहता है जो भी काम करता है. सो येस आई एम लाइक होपिंग एंड प्रेइंग कि आगे भी ये जहाँ तक अगर ग्राफ बना है वो ग्राफ ऊपर बढ़ते ही जाए. लास्टली यू नो जब आप पीछे पलट के देखती हैं और आज आप जिस लेवल पर हैं, क्या याद आता है, किस चीज़ों पर यू नो प्राउड फील होता है? मेरे स्ट्रगल्स, मेरा ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जो फेथ है भगवान के ऊपर. एंड एक चीज़ पे मुझे अच्छा लगता है कि यू नो आई रियली फील गुड अबाउट इट व्हेन स्पेशली पीपल अराउंड मी व्हेन दे नो मी एंड दे से कि मतलब ऑनेस्टली कहीं भी जाते हैं ना तो इंसान सोच ही नहीं पाता, दिस इज़ रियली देवोलीना, दिस इज रियली गोपी. एंड आई वाज लाइक व्हाई नहीं, मतलब वी नो पीपल की यू नो हाउ दे बिहेव एंड व्हाट दे डू एंड यू आर लाइक सो डाउन टू अर्थ. यू आर लाइक यू नो यू डोंट मेक अस फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री और सेलिब्रिटी हैं ये हैं वो हैं. सो दैट रियली मेक्स मी फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ. इट्स नॉट लाइक नाउ, ये मेरे बचपन से ही है, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे स्ट्रेंजर्स हो, बाहर कभी मिलते हैं कुछ भी हो. सो दैट थिंग ऑफकोर्स मुझे याद है, मैं जब थिएटर करती थी जो मेरे गुरुजी थे थिएटर में, उन्होंने मुझे कहा था और वो कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते थे. सो एक था स्टेज ड्रामा जिसमें ऑफकोर्स मतलब अकॉर्डिंग टू हिम मैंने बहुत अच्छा किया था. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, इवन आफ्टर 9 ड्रामा करने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि यू जस्ट यू नो लाइक रीच समवेयर एल्स नाउ, बट द ओनली थिंग इज़ लाइक मेंटेन योर रूट्स ऑलवेज. तो वो बात मेरे ध्यान में रह गई आज तक एंड दैट्स हाउ आई फील एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड द ओनली थिंग अगेन कि आई नेवर हर्ट एनी वन इंटेंशनली एंड दैट्स हाउ आई रियली फील, दैट्स माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ. हमने सुना है उड़ान में आ रही है लाल इश्क के बाद आप दोनों, यू नो ऐसा कुछ है क्या? नहीं अभी तक मुझे तो नहीं पता, मुझे तो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रही हूँ मैं, सो आई हैव नो क्लू इन दिस. थैंक यू.